ये शीट रोलिंग मशीन होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम शीट रोलिंग मशीन्स के बारे में बताने चाहते हैं। शीट रोलिंग मशीन्स कौन सी होती हैं? शीट रोलिंग मशीन वो होती हैं जिसमें भी शीट को पूरा रोल करना होता है पाइप फॉर्म में। अब देखिए, शीट रोलिंग के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। पहले तो आपको अपना शीट्स की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, आपके पास कितनी लेंथ की शीट है, पहले तो आपको लेंथ बतानी पड़ेगी, और उसके बाद आपकी कितनी थिकनेस है शीट की वो मैटर करती है, उसी के हिसाब से आपको मशीन दी जाती है। मशीन के अंदर भी आप ये देख लीजिए, मैनुअल मशीन हैं और मोटराइज मशीन होती है। मैनुअल के अंदर वो काम ज़्यादा सही रहेंगे जो लाइट शीट हैं, जहाँ पर भी प्रोडक्शन कम है, जहाँ पर भी आप वो कम पाइप कम शीट से कर सकते हो गुजारा, तो वहाँ पर शीट रोलिंग मशीन हाजिर चल जाएगी। पर जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ पर भी प्रोडक्शन ज़्यादा है, जहाँ पर भी शीट बहुत ज़्यादा मोटी है, वहाँ हाथ से नहीं हो सकता। हाथ वाली जो शीट रोलिंग होती हैं वो जनरली 18 गेज तक के लिए ठीक होती हैं, मैक्सिमम 16 गेज के लिए अगर उसके अंदर रोलर हैवी बना दिए जाए, गियर बॉक्स लगा दी जाए तो उसके अंदर हो सकता है। बाकी 3 mm, 4 mm, 5 mm जो बहुत मोटी शीटें हैं, स्टेनलेस स्टील की शीट्स हैं, उसके लिए आपको मोटराइज मशीन लेनी ही पड़ेगी। मोटराइज मशीन लीजिए, उस हिसाब से उसके अंदर भी आपको रोलर के लेंथ वो बताने पड़ेंगे, डायमीटर वो आपको मैन्युफैक्चर उस हिसाब से बता देंगे। तो आप पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट देख लीजिए, शीट कितनी मोटी है, शीट कितनी लंबी है, कौन से मटेरियल की, हर चीज़ बताइए, कैसे उसको रोल करना है, कितना बड़ा पाइप बनाना है, हर चीज़ क्लियर कर देंगे तो आपको उस हिसाब से सूटेबल चीज़ दे दी जाएगी।